Welcome to Time Out with Ehsan Khan, another exciting episode. आपके सामने हाजिर है. उम्मीद करता हूँ आप जहां जहां भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं. तो जनाब आज का एपिसोड स्पेशल है इसलिए कि एक्सप्रेस पे आप देख रहे हैं जिस तरह की हमारा टाइम आउट शो जो है इट्स अ वेरी गुड शो और प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो रही है. कुछ नए प्ले शुरू हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ नए प्रोग्राम्स बहुत जबरदस्त बन रहे हैं. एक ड्रामा जो आप देख रहे हैं जुगनू, उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका फीडबैक भी अच्छा है और उसमें एक्टर्स तमाम है बिल्कुल नए. और ये बड़ी जबरदस्त बात है जब आप प्लेटफॉर्म देते हैं बहुत से न्यू कमर्स को, क्योंकि हमेशा न्यू कमर्स जो होते हैं वो कुछ नई चीज लेके आते हैं और जो न्यू ब्रेन्स फ्रेश ब्रेन्स होते हैं उनके साथ हमेशा काम करने से ये फायदा होता है कि आप जदीद तरीन चीजें देख सकते हैं. अब हमने भी जुगनू में काम किया है फ्रेश एक्टर्स के साथ, नए एक्टर्स के साथ, तो आज उन्हीं से मुलाकात करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सेट पे कैसा रहा एक्सपीरियंस और नए लोगों को फील्ड में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. लेकिन उनसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और आज हमारा एक्सप्रेस का, क्योंकि ये शो है, आप लोग एक्सप्रेस चैनल देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं शो, और एक्सप्रेस पे आजकल प्लेज जबरदस्त आते हैं. मैं आपको बता चुका हूं पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले कि आज हम एक प्ले की बात करेंगे, एक प्ले का जिक्र करेंगे, उस प्ले की कास्ट को हमने बुलाया. हमें हमेशा लोग ये बोलते हैं कि आप नए लोगों को भी कभी प्रमोट करें, आप नए लोगों को भी लेके आए. तो मुझे काफी मैसेजेस आए कि बहुत से नए लड़के और लड़कियां एक्सप्लोर कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको भी आपके शो में आने का शौक है. हमें पर्सनली भी मैसेजेस आते हैं. तो मैंने आज सोचा क्यों ना हमारा एक्सप्रेस का ही एक बहुत अच्छा ड्रामा. बाय द वे, एक्सप्रेस इज कमिंग अप विद सम रियली गुड ड्रामास वेरी सून. यू गोना सी अ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेज इंशाल्लाह हमारे इस चैनल पे. लेकिन ये जो प्ले है ये चल रहा है ऑलरेडी और जुगनू इस प्ले का नाम है. बहुत प्यारा, बहुत एक खूबसूरत प्ले आप देखते हैं. जब आप नया प्ले, नए लोग, नए एक्टर्स देखते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो आपका जी चाहता है उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का. तो आज हमारा शो जो है वो डेडिकेटेड है जुगनू की कास्ट के लिए और जुगनू की प्रमोशन के लिए. और आज जो नए यंग जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे. तो मैं बुलाना चाहूँगा तीन हमारे साथ मौजूद हैं जुगनू की मेन कास्ट. सबसे पहले वील इन्वाइट All of them together, which is Sana, Nadir, Shiraz, Ghazal, and Yasir Alam. Please bulaiye, aaiye, aaiye, aaiye. Assalamualaikum. Kya hal hai? Bethiye. Kya hal hai? Assalamualaikum. Kya hal hai? Janab, kya hal hai? Sana. Ji. Pehle Sana se baat shuru karte hain. Theek hai. Sana, pehla play hai? Pehla hai. पहले तो वो एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर रही हो. क्या घर में प्रैक्टिस करती थी एक्टिंग की? हाँ, मामा से थोड़ी बहुत. हाँ, ये है ना मामा. अच्छा, मामा स्पेशल बड़े मजे मजे के रोल्स करती हैं. टेल योर मामाज नेम टू द ऑडियंस. फरहान आदिर. ठीक है, उनके साथ हमने भी काम किया हुआ है और वो बड़ा अच्छा काम करती हैं. कम करें ज्यादा करें हमेशा अच्छा काम करती है. तो मामा जो है वो तो कैरेक्टर रोल्स करती हैं. एंड यू थॉट कि मुझे हीरोइन बनना है? बन गई. बस बन गई. क्या बात है यार. बचपन से प्रैक्टिस हो रही थी? बचपन से. हाँ, मामा को सेट्स पे जाती देखती थी तो खुद दिल करता था कि मैं भी सेट्स पे जाऊं. बहुत दिल करता था. फिर मामा ने एक शर्त रखी. मामा ने कहा बेटा वो डिग्री कर लो आप, फिर आपको जो करना है आप करो. तो बस मैंने उनको वो गिफ्ट दिया और उसके बाद मैंने अपनी ये चीज़ कंटिन्यू की. मैंने कहा आप भी खुश रहें और मैं भी खुश रहती हूँ. सही है. अच्छा, यूजुअली तो घरों में ये कहते हैं ना कि बेटा बस थोड़ा सा पढ़ लो फिर शादी तुम्हारी कर देंगे. नहीं, मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. अभी एज भी अभी छोटी हो ना बहुत. अभी तो ठीक है. एक ही ड्रामा आजकल जुगनू शूट करी हो कि और प्ले भी शूट? अभी मेरा बदनसीब ऑन एयर है, वो भी चल रहा है, और फिर दो अभी रनिंग में है. ओ अच्छा, यानी इतने सारे प्लेस करे. वाह वाह, ये तो आते ही लड़की जो है तो चार ड्रामों में आ गई है. ये कोई खास चलो आगे चलते हैं. ये बड़ी स्पेशल बात है. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड. अच्छा जी, हमारे साथ शिराज एंड यासिर. यू आर यासिर? आई एम शिराज. यू आर शिराज एंड यू आर यासिर. ओ ऑफ कोर्स यासिर. यासिर के साथ मैंने एक मुझे याद आ गया एड, बल्कि उन्होंने याद दिलाया कि वी वर शूटिंग फॉर कुकी एड मी एंड कुबरा और उसमें आप थे साथ. बिल्कुल बिल्कुल सही है. अच्छा, कैसे हैं दोनों? खैरियत से हैं? वेरी गुड. अच्छा, आप लोगों का पहला प्ले तो नहीं है ये? बिल्कुल भी, ये मेरा डेब्यू है.
Is it? Yes, it is my debut. अच्छा. बड़ी बात है. और आपका? बट मैं पहले भी करता रहा हूं और लेकिन दो साल से मैंने गैप ले लिया था बिकॉज़ आई वाज कंप्लीट ऑलरेडी पहले आते ही गैप ले लिया नहीं मैंने पहले ही गैप ले लिया नहीं दो साल काम किया मैंने 17 दो साल से गैप ले 17 एंड 18 एंड देन आई किया था वेरी नाइस हम के प्रोजेक्ट्स किया था एंड देन आई टुक ब्रेक उसके बाद जस्ट टू कंप्लीट माय स्टडीज क्योंकि क्या किया आपने पढ़ाई क्या मैंने बीएससीएस किया मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस जबरदस्त है तो आपने भी घर वालों को प्रूफ किया कि हां डिग्री हो गई डिग्री भी है मेरे पास और अब आई वांट टू परसू अच्छा मुझे ये बताओ नए लोगों के लिए पेरेंट्स और घर में और हर जगह एक प्रेशर होता है कि यू हैव टू वर्क बिकॉज़ हम सबको एक करियर तो चूज करना होता है स्पेशली इन दिस एज व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s और मिड 20s यू हैव टू चूज अ करियर एंड इफ यू डोंट तो वो घर में भी बड़ा एक बच्चों को बड़ी डांटे पड़ती क्या कर रहे हो फारिग बैठे हुए हो तो क्या है घर से किस तरह का पुश था और क्या सपोर्ट था पहले आप यासिर बताओ घर से सपोर्ट तो था स्टार्ट से ही और लेकिन दे वर लाइक कि आप के पास एटलीस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए आपकी एक डिग्री होनी चाहिए एक बैग क्योंकि यू नेवर नो आपको कल क्या फेस करना पड़े बने या ना बने या ना बने सक्सेसफुल आप हो सके सक्सेसफुल हुए ना तो इसके लिए ग्रेजुएशन वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी देन फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तो फिर दोबारा से मैंने रिज्यूम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी अगर सपोर्ट नहीं होती तो आई वुडंट हैव बीन हियर यानी अम्मी अब्बा को शौक है कि मेरा बेटा एक्टर बने बिल्कुल बिल्कुल उनको शौक है ये बड़ी अच्छी बात होती है जैसे मेरे फैमिली में ना बिल्कुल शौक नहीं था कि हमारा बेटा वो तो शौक में चले गए कि ये काम क्या शुरू उसने कर दिया है लेकिन अब नाउ अडेज आई हैव सीन द लॉट ऑफ पेरेंट्स क्यों आप क्या कहती हो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि दे वांट देयर किड्स टू कम ऑन टीवी दे लाइक इट मेजॉरिटी हमारे यहाँ नहीं करते नहीं करते नहीं करते वो कहते नहीं हमारा आई एग्री आई एम राइट कि अगर कोई जर्नलिस्ट भी अगर कोई आपसे तो अपने बच्चों को पीछे कर लेते हैं कि नहीं नहीं टीवी पे नहीं आना कैमरा पे नहीं आना सबको इधर उधर कर देते हैं वो तो मेजॉरिटी पता नहीं मुझे नहीं मुझे आज तक नहीं समझ आई But you think it's a good field? मतलब कोई ऐसा experience तो नहीं हुआ अभी इस field में आए हो नहीं नहीं हो तो क्या मतलब क्या अगर नई लड़की कोई देख रही है और वो काम करना चाहती है तो उसको क्या मतलब what is your experience? मेरा यही है कि जैसे आप काम कर रहे हो अगर कोई डॉक्टर है तो उनका बच्चा भी डॉक्टर होता है कोई आर्टिस्ट है उनका बच्चा हम लोग थोड़े यूज टू होते हैं इन चीजों से घर में एक माहौल होता है हम देख लेते हैं और उन लोग ने भी देखा होता है उनको पता होता है आई थिंक वो लोग उस बैकग्राउंड से नहीं होते तो उनको कोई आइडिया नहीं होता वो एक सुनने में आया था के मीडिया ये और तो और ये है. तो वो लोग बेचारे एक बबल में ही हो जाते हैं कि नहीं मीडिया ठीक नहीं है नहीं कैमरा पे नहीं लाना ये नहीं करना उनको आई थिंक सही इंफॉर्मेशन सही चीजें नहीं पता और लोग बताते भी नहीं है स्पेशली नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज्ड आफ्टर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज आउट हर एक की बात का जवाब देना हर एक की बात को रिकॉर्ड कर लेना कोई गलत बात करो उसको लोग रिकॉर्ड तब लोग थोड़ा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं यूजुअली कभी सामना काफी केयरफुल रहना पड़ता है हर चीज को लेके ना कि आप बहुत आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं हर वक्त फजूल बात ना कर लें ऐसे अच्छा तुम कैसे भाई अपना बताओ कि क्या अच्छा मैं 7 साल की उम्र से मैंने कमर्शियल शुरू किए थे ठीक है child as a child you were working as a child uske baad fir maine kaun leke gaya tha field mein 7 saal ki umar mein kisne bheja tha usme mujhe ammi abba nahi 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 wo to wo ye tha ki citrus talent ke jo founder hai father ha ha theek hai theek hai theek hai unhone theek hai unhone promote kiya to us waqt wo agency found ho rahi thi matlab wo ban rahi thi us waqt na sahi hai to unka wo bilkul pehla commercial tha theek hai so I was casted in it 7 saal ki umar mein fir maine wo kiya baaki fir maine break le liya kyunki wo school wagaira padhai jo hota hai normally jo hota hai फिर मुझे दोबारा एक्टिंग का शौक तो खैर बचपन से ही था फिर दोबारा चढ़ा तो मैं शर्मा क्यों रही है कहते कि मैं बचपन से शौक था वो यहां एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है आपके सामने मुझे बचपन से शौक था अदाकार यानी क्या अपने आप को कौन से क्या बनना मतलब क्या सोचा था कि मैं क्या बनूंगा यार बड़ा होकर मैं कौन सा हीरो बनूंगा मुझे एक्टर बनना है वैसे हीरो तो हां एक्टर बनना है वो किसी किस्म का भी रोल हो हीरो नेगेटिव हो क्या करना ज्यादा अदाकारी में पसंद है कोई एग्रेसिव रोल इमोशनल रोल क्या अच्छा लगता है ज्यादा नेगेटिव करने का बड़ा शौक है क्योंकि मुझे ये इसमें इसमें तो बिल्कुल पॉजिटिव मासूम है इसमें बिल्कुल मासूम है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को इसका शेड है बिल्कुल हां तो मेरा तो खैर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है लेकिन मुझे नेगेटिव किस लिए भी शौक है क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपका चेहरा ऐसा है कि आपको देख के लगता नहीं कि आप नेगेटिव कर सकते हो तो एक पॉइंट टू प्रूव है ना कि मुझे ये करना है हां यानी ऑपोजिट चीज करनी है जो उसको डिफरेंट करनी है तो सही है अच्छा मुझे ये बताओ जुगनू में क्या स्टोरी का क्या जो फोर्टे है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टोरी का क्या है वो बता सकते हो मतलब कहानी डिस्क्लोज नहीं करो यार इतना बता भी देखेगा नहीं रोमांटिक ड्रामा है दोनों पसंद करते हैं एक लड़की को सॉर्ट ऑफ मतलब पसंद क्या करें सब बता दे नहीं बोलो यार तुम थोड़ा सा बता दो सब नहीं बताओ यार देखो सब तुम बता भी नहीं सकते ये यासिर बताएंगे हम अच्छा ये यासिर बताओ उनको सही तरह स्टोरी पता है
अच्छा क्यों ड्रामा शूटिंग नहीं की दो तीन नहीं सब साथ में नहीं मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी पूरी तो शूटिंग तो कर ली सारी स्क्रिप्ट बाद में पढ़ी शूट के बाद पढ़ी स्क्रिप्ट पढ़ी याद हुआ तो पहला ड्रामा तो मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए था कैसी एक्ट्रेस है सच बताना ये शी इज अ गुड एक्ट्रेस अच्छा काम कर रही है अच्छा इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन अदाकारी कर रहा है इन दोनों में से अच्छे देखो सच बोलना तुमने आज बोला था शो से पहले कि मैं सिर्फ सच बोलूंगी आज जरूरी है एक कर लें मतलब अगर दोनों का भी ना लें फिर दोनों ही अच्छा करते होंगे अदाकारी वो देखो मुझे चोरी चोरी नजरों से देख रहा है कि वो पता नहीं क्या कोई डिप्लोमेटिक जवाब मत देना तो दोनों ये देखो डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया बिल्कुल अच्छा डायरेक्टर से ज्यादा डांट किसको पड़ी थी तीनों में से डायरेक्टर से फुरकान आदम हमारे डायरेक्टर हैं इस प्ले के और माशाल्लाह उनसे क्या कहते हैं क्योंकि ही इज बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10-15 इयर्स तो हमें बड़ा माशाल्लाह काफी काम उन्होंने किया है और काफी उनके प्लेज आते रहते हैं हर पॉइंट पर उन्होंने हमें सिखाया कि ये चीज जो है यहाँ पे आप इस तरह इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और एक डायरेक्टर का काफी रोल होता है उसमें प्ले करता है कि वो एक्टर के अंदर से डायरेक्टर्स कैप्टन ऑफ द शिप ना यार वो प्ले को आगे लेके वही चलता है अच्छा मेरा जो सॉरी मैं की बात काट रहा हूं मेरा जो पहला दिन था शूट का तो मुझे अभी भी याद है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा जैसे कैमरा एंगल्स होते हैं या आपको जहाँ पे खड़े होना है तो मैं कभी वहाँ खड़ा हो रहा हूँ कैमरा यहाँ पे मैं कभी वहाँ खड़ा हो रहा हूँ तो उसमें बड़ा उन्होंने हेल्प किया और मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर अच्छा नए लोगों को आने में चलो सना ये मुझे बताओ कि जैसे एक हीरोइन आ जाना इफ यू आर न्यू एंड यू गेटिंग मेन लीड इन अ प्ले और एक अच्छा प्ले मिल जाना कितना डिफिकल्ट है एक लड़की के लिए निकलना काम ढूंढना तलाश करना मुश्किल है मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आपके साथ लोग अच्छे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं लेकिन अगर लोग ठीक नहीं हैं तो आपके लिए चीज़ें और एक ये है कि अगर आप ख़ुद अच्छे हो चीज़ों में अगर मुझे ये है मेरा एम कि मुझे काम करना है और मुझे सिर्फ काम करना है अपना और तो मेरे लिए चीजें बहुत इजी होंगी काम 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 और वहां से भी अगर वो नहीं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनको काम ही नहीं मिल रहा होता बेचारों को ये भी तो होता है ये भी एक है तो मुझे मुझसे हर कोई she didn't go through that नहीं लेकिन मुझे ये चीज play foreign मिल गया हाँ मुझे ये चीज लोगों से सुनने को मिलती है ये बड़ी लकी है यार मुझे ये चीज सुनने को मिलती है महसूस नहीं कभी की कि काम नहीं मिलता हमें तो foreign मिल गया नहीं लेकिन मुझे टाइम मिला मुझे foreign एकदम foreign नहीं मिला सिफारिश थी नहीं even she gave the audition ये इस audition process से through go through हुई है उन्होंने भी काफी पूरा ऑडिशन हुआ और ये ज़्यादा प्रेशर होता है मुझे लगता है क्योंकि मुझे हर जगह बोला जाता है कि ओ अच्छा ये फरहान आदर की बेटी है तो फिर एक्टिंग भी वैसी होगी अगर मैं वहाँ तक नहीं आती तो लोग कहते हैं अच्छा छोड़ें आप एक ऑडिशन कर दें फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं आपकी अम्मी तो बहुत अच्छी तो वो प्रेशर मुझ पर हमेशा से था तो ठीक है मुझे मामा के अगर नाम पर मुझसे कोई मीटिंग मुझे अगर ऑफिस के बाहर या मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा तो एटलीस्ट वो जो मैं मीटिंग और ऑडिशन दे रही हूँ उसमें अगर मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाऊँ अगर मैं जुगनू में अच्छी एक्टिंग ना करूँ तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा चाहे मैं किसी की भी बेटी हूँ या जो भी है तो उसके बाद वो मेरे ऊपर आती है What do you say about this? क्या लगता है कि जबकि थोड़ा सा जान पहचानो आसानी होती है तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ी अच्छा मुझे वैसे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुझे जो इस प्रोजेक्ट की कॉल आई थी जुगनू की तो उसके अगले दिन मेरा एग्जाम था ACCA का तो वो बड़ी मतलब एक होता ना आउट ऑफ नो वेयर आ जाए अच्छा और मुझे बड़ी हैरत हुई थी वो एक्चुअली हुआ ये कि फुरकान भाई जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरी एक पिक्चर देखी थी फेसबुक पे तो उन्होंने वो उनके दिमाग में एक करेक्टर था गुड्डू का जो मेरा नाम है ड्रामे में तो उन्होंने बोला ये लड़का इसमें बैठेगा उनके दिमाग में कुछ आया होगा उन्होंने तस्वीर देख के जो है वो फिर वो उन्होंने कॉल करवाई वेरी लकी हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड और समथिंग ठीक है तो उसके बावजूद मुझे ऐसे मिल गया लेकिन जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है मुझे लगता है कि आपको अपर हैंड मिलता है अच्छा थोड़ा सा मिलता ऑब्वियसली मिलता है जब आपके कांटेक्ट्स होते हैं कोई आपकी अगर पेरेंट्स इस फील्ड में या फिर कोई ताल्लुक है किसी से बिल्कुल तो आई गेस अपर हैंड मिलता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आपके हैं कांटेक्ट्स एज लॉन्ग एज अगर आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं आप काम अच्छा काम कर अच्छा तो आगे बढ़ेंगे ना वरना तो कभी नहीं बढ़ेंगे ठीक है आप बताओ कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी काफी ज्यादा मुझे लग रहा काफी अरसे से मॉडलिंग और ये चीजें कर रहे हो और कोशिश है कि कोई अच्छा कैरेक्टर कोई अच्छी चीज मिल बिल्कुल ऐसा ही हसन भाई
आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट, मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, तो जियो के प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था मैंने। फिर उसमें क्या कैरेक्टर था, मेन लीड था या क्या? नहीं, उसमें मेरा थर्ड लीड था। ठीक है, लेकिन एक अच्छा प्रोमिनेंट कैरेक्टर था। प्रोमिनेंट था, मतलब वही जूनियर आर्टिस्ट का काम नहीं किया, स्टार्ट में आके थोड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर किया, फ्रेंड जो लीड का कैरेक्टर था उसके फ्रेंड का। तो वहाँ पे जब मैंने अपने आप को देखा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शायद नहीं कर सकता, कि जब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम जब वो ड्रामा ऑन एयर हुआ, तो आई वाज लाइक के मे बी आई एम नॉट फॉर द स्क्रीन। अच्छा, यू डिडंट लाइक योरसेल्फ ऑन टीवी? आई डिडंट लाइक माय सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। फिर क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, आई नेवर लाइक माय सेल्फ ऑन टीवी, फर्स्ट टाइम कैमरे को मतलब फेस कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मैंने, और बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज, वॉचिंग मूवीज एंड सीजंस, तो मैंने जब मूवीज देखी उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है मे बी आई कैन एक्ट। फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की 2015 से, 16, 17, 18 तक प्लेस किया। फिर दो साल गैप ले लिया क्योंकि मेरी डिग्री काफ़ी सफ़र कर रही थी। तो वो करने के बाद जब दोबारा मैंने लास्ट ईयर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैंने रिज्यूम किया। तो सो फार इट्स गोइंग गुड, और अभी एक रूपोश टेलीफिल्म आई, उसमें भी आई हैव प्लेड सपोर्टिंग कैरेक्टर इन दैट। तो अब जाके मुझे लगता है कि वो जब आपको होता है ना कि आपका गेम ऑन हो रहा है, वेरी किंजा और हारून वेरी गुड टेली, वो पता है ट्रेंडिंग चल रही है कब से, अभी तक मेरे फेवरेट डायरेक्टर अली फैजान, और वो दोनों इतना अच्छा उन्होंने काम किया यार, कमाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके साथ काफी अच्छा रहा, अली भाई भी इज अ गुड डायरेक्टर, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। एंड अब जाके, लेकिन टू बी ऑनेस्ट स्ट्रगल है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड से, आई एम द ओनली वन इन दिस मीडिया। कहते ना कि कुछ लोग थोड़े से राइट कंजर्वेटिव होते हैं कि अच्छा ये बाल बड़े नहीं रख सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, दे आर लाइक उस तरह के खानदान वाले। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन दे सी मी ऑन स्क्रीन, तो वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और पूछते हैं कि अब कौन सा प्ले आ रहा है, कौन सा प्ले आ रहा है। ओके, मतलब सपोर्ट है। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि क्या कैरेक्टर करना चाहती हो, क्या दिल करता है, कहाँ तक, किस जैसा बनना है, क्या बनना है? बनना तो बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा बड़े कैरेक्टर, लेकिन मैंने एक उसमें देखा कि जैसे जुगनू है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जो बदनसीब था वो था मेरा नेगेटिव। तो मैंने घर आके मम्मा को बताया और मैंने कहा मम्मा मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने कहा अच्छा प्ले दे बदनसीब भी, हाँ। मैंने कहा मम्मा मुझे पॉजिटिव नहीं करना। कहती क्यों? कहती मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मैंने कहा मम्मा मुझे नेगेटिव करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं, मज़ा आया मुझे। और मैंने कहा कि मम्मा पॉजिटिव, हाँ ठीक है वो पॉजिटिव, बहुत टिपिकल मास्कुलिन मतलब कैरेक्टर, नेगेटिव में तो बड़ा आपको मार्जिन अदाकारी कर सकते हैं और डायलॉग्स भी अलग से होते हैं, आपको उसका ना फीडबैक भी ज्यादा मिलता है। मुझे उसका फीडबैक बहुत ज्यादा मिला है और मैंने पॉजिटिव किया, अच्छा है। पर वही है, आप सीधी सीधी लाइंस आप नीचे लेकिन नेगेटिव की छाप लग गई तो फिर नेगेटिव। मम्मा ने यही कहा, मम्मा ने कहा बेटा कर लिया, अब हट जाओ, अब हट जाओ, अब नहीं जाना उस तरफ, क्योंकि अब वहां गए तो फिर आपको कास्ट ही उसके लिए करेंगे जो कि आपका लीड नहीं होगा। अच्छा सेट पे ज्यादा तुम तीनों में से कौन ज्यादा बातें करता है और कंसंट्रेट नहीं करता सीन में? फिरास जो कि इसकी एक अच्छी खासियत है, और ये सबके साथ मजाक करना, छोटे मोटे से सना के साथ कर लिया इसने मेरे साथ और बाकी कास्ट के साथ, तो मतलब डिसेंट मजाक करता ना ये, कभी कभार लड़कियों के बैग में भी हाथ डाल देता है, क्या ढूंढ रहे होते हो लड़कियों के बैग में से? पैसे चाहिए होते हैं, कितने लेकर आए सुबह मुझे बता देंगे। इल्जाम लगा रहे हो गलत यार, ऐसा इट्स अ बैड हैबिट लड़कियों के बैग में, मैं क्यों मारूंगा हाथ पर? नहीं, ऐसा क्या ढूंढ रहा होता बैग में, पता चले यार भाई लड़कियों के बैग में बड़ी खास चीज होती है, अब हाथ। हां नहीं नहीं मैं यार तुम इल्जाम नहीं नहीं आते साथ बोलते बता दो कौन ज्यादा पैसे लेकर आया, कौन पैसे लेकर आया ताकि मैं चुरा लूं जो सीन कराने जाए। तो ये बैग यार ये पैसे जमा करने का नया तरीका है कि जो जो सेट पे आया पैसे निकाल लो, और बहुत चोरियां भी हुई हैं हमारे सेट पे, ये चिंदी चोर यार ये तो तेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं जा रही। अच्छा सबसे बोरिंग कौन है सेट पे? सबसे बोरिंग बताओ ना, बोरिंग कौन बंदा था? कौन है सेट पे जो बड़ा बोर है ना, बातें करते हैं ना, साइड पे बैठ जाते हैं और अपने फोनों पे लगे रहते हैं, बताओ। हमारे सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं था, हमारा जो सेट का माहौल था ना वो काफी, मतलब हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई, मजा आ गया, बहुत हैपनिंग था, तो मजा आया काम करके, हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी, मतलब हम लोग बस करते जाते थे बात। अच्छा, जो होता। अच्छा मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया जो है वो कितना मतलब क्या, उस पे कितना एक्टिव रहते हो तुम लोग तीनों?
मैं अभी रिसेंटली हुई हूं, अभी हुई हूं, उससे पहले नहीं था। मैं भी अभी थोड़ा रिसेंटली एक्टिव हूं। पता ना फॉलोइंग पे काम भी बहुत जरूरी है, यही सीन है आपकी, तो मतलब गेम ऑन होना चाहिए आपका, जितने सोशल होते हैं आप उसी साथ गेम ऑन। मैंने कभी काम नहीं किया सोशल मीडिया में, बाकी सारी दुनिया कर रही होती है बायर्स खरीदना ये वो, तो इसलिए वो जरूरी है सोशल मीडिया। हां बिल्कुल, क्या ख्याल है, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है आजकल तो फॉलोअर्स की वजह से कास्टिंग भी मुझे लगता है। हाँ, ये मतलब ये नहीं बोल रही या कोई ये नहीं बोल रहा अदाकारी की वजह से कास्टिंग नहीं, मैंने एक्टिंग मुझे मेरे फॉलोअर्स ज्यादा थे मुझे कास्टिंग होगी। हाँ अगर अगर आपको एक्टिंग नहीं आती और आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको कास्ट काम मिल जाएगा, ऐसा है, बड़ा नॉर्मल है आजकल, ऐसा है बिल्कुल। हाउ सैड इज दैट यार, यस इट इज। इस तरह दूसरों का हक जो है वो मेरिट जो है मेरिट का बिल्कुल कत्लेआम हो जाता है। कितनी अफसोस की बात है, ये कौन डिसाइड करता है यार कि हमने किसको कास्ट करना है, किसकी फॉलोइंग्स, कौन नाम ले, नाम नाम हमारे पास भी लोग आते जाते हैं यहाँ पे जो देखते हैं इनकी फॉलोइंग बहुत है इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसकी फॉलोइंग बहुत है इसको ले लो, ये नहीं देखते सो काम आते ये क्या बनेगा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग यार, फॉलोइंग खरीदो सब। अच्छा जनाब एक ब्रेक लेते हैं, जुगनू की कास्ट हमारे साथ मौजूद है, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको जुगनू ड्रामा कैसा लग रहा है, इनसे बातचीत करना आपको कैसा लग रहा है, अगले सेगमेंट की जानब यानी कि अगले गेम की जानब बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. Yasir, क्या हुआ है? कपड़े ठीक करते, कभी बटन बंद करे, कभी खोला, समझ नहीं आ रही है। अपसेट हो गया। नहीं हुआ क्या? नहीं वो एक्चुअली मुझे उस वक्त लग रहा था कि I was not comfortable. तो फिर पता नहीं क्या comfortable. मैं कहीं और बैठूं अगर आप comfortable. नहीं नहीं नहीं. क्या हुआ? कुछ नहीं, इनका दोस्ताना देख के मुझे सही दोस्ताना देख के खुश हो रही हूं। सेट पे भी इनका दोस्ताना था, सेट पे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त यार, होनी चाहिए दोस्ती। जी बिल्कुल, दोस्ती होती दोस्ताना क्या होता है? दोस्ताना दोस्ती से थोड़ा ऊपर, एक लेवल ऊपर, एक लेवल रंग देने की कोशिश कर रही है हमारी दोस्ती को। नहीं अच्छा गलत रंग देने की कोशिश करती थी यार? नहीं नहीं, तुम वो उसने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम इल्जाम लगा रहे हो उस पे, वो बस अनकंफर्टेबल हो गया है उसके सामने। आज अनकंफर्टेबल हो गया उसका? हाँ मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों? पता नहीं हूँ, कभी बटन खोल रहा है कभी बंद कर रहा है, मुझे नहीं पता। I think हम यासिर को यहाँ बिठा देते हैं। यासिर का रंग लाल हो गया, कह रहा है यार मेरे ऊपर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा सारा से सवाल है रैपिड फायर में, सेट पे लंबी लंबी कौन छोड़ता है यानी कौन फेंकता है लंबी लंबी? यासिर यासिर give me an example, what kind, क्या कहता है? कोई कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप किसी को बताते हो ना कि मैंने गाड़ी ली या मैंने कोई काम किया, तो वो एक स्टोरी एक इंसान के पास होती है। हाँ यार सर एग्जैजरेटेड कहानी है काफी, फिर बहुत मासूम वे कह रहा है मैं क्या बोलूं यार, नो कमेंट्स, नो कमेंट। सबसे ज्यादा सेट पे कंजूस कौन है? शिराज। तभी तो दूसरों के बटवों में हाथ डाल रहा है। रिफ्रेशमेंट के पैसे भी हमसे लेता है कि अगर नहीं खाने तो अपने पैसे हमें दे दो। हाँ। तो मैं ऐड करके कुछ खा, कुछ मंगवाता है, कुछ ऑर्डर करता है, तो फिर तुम लोगों से पैसे और क्या यार? क्यों प्रोडक्शन से पैसे नहीं मिले? ये तो एक्सप्रेस का ड्रामा है यार, कहाँ है सब लोग बता दो, पूछता तुम लोगों से मैं, एक्सप्रेस वालों पैसे निकालो उसके। अच्छा लड़का हमारी नजर में यानी अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में वो है जो ऐसा हो, जो ऐसा हो मतलब ऑनेस्ट हो, सच बोलता, सच बोलता, बस लुक्स मैटर नहीं करते चीजें, पर्सनालिटी मैटर करती है, पर्सनालिटी और ऑनेस्टी ये दो चीजें। पक्का? हाँ अभी अभी नई नई है ना, डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी। हर छह महीने बाद ये सवाल करना या साल बाद फिर देखते हैं, वो फिर चेंज हो जाएगा, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। बाद में ठीक है, ओके जी। शूट पर खाने का बजट इनकी वजह से आउट हो जाता है, ये मुझे लगता है हमें निकाल देंगे यहाँ से एक्सप्रेस वाले, अगर बता दिया इसका, नहीं बताया इस सवाल को एडिट कर दो अच्छे रहेंगे। सच बताना है भाई, सच तो सच बोलो। नहीं, हम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, हमने किस तरह कॉम्प्रोमाइज, रोजे रख लिए क्या तुम लोगों ने पूरा पूरा दिन? बोलो बोलो बोलो। नहीं हम सारे बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग थे, हमें जितना मिला हमने उसमें ले लिया, हमने कहा हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ज्यादा नहीं बोलो निकाल देंगे।
ज्यादा नहीं बोलो निकाल देंगे, ज्यादा खाने की डिमांड नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा हम में सेट पे, हमारे सेट पे सबसे ज्यादा तेज जुबान कौन है? तेज जुबान कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई सेट पे मीठी छुरी कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, या शायद मैं अपना नाम ले लूं, सेफ साइड का नाम ले लूं, कोई तो नाम लो यार। सेट पे सबसे ज्यादा बोर कौन करता है? उधर क्या देख रही हो? यहाँ से तीन दफा देखे, यहाँ से यहाँ से तुम्हारी तरफ और लोग भी हैं हमारी कास्ट में, यहाँ से तुम उसको बोर कर देते हो। हमारी कास्ट में और लोग, और लोग भी, औरों का नाम भी ले लो, सुनिए दोनों का नाम भी है। यासिर के अलावा और कौन बोर करता तुम्हें? यासिर के अलावा बिस्मा, बिस्मा जो मेरी फ्रेंड बनी है, ठीक है, वो बोर कर देती है, वो बोर करती है, ठीक है। सेट पे सबसे ज्यादा महंगी महंगी चीजें कौन लेकर आता है? हमारे डायरेक्टर। अच्छा तुम ठीक है। सेट पे से जल्दी भागने की किसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है? कौन जल्दी भागने के चक्कर में होता है? हमारा क्रू ज्यादा, क्रू ज्यादा जल्दी भागने के चक्कर में, पता नहीं उनको, उनको घर जाना, उन लोगों में से किसी को घर जाने की जल्दी नहीं होती। नहीं, हमारा सेट बहुत अच्छा था, हम कहते थे हमें काम करवा लें आप लोग, और हम बैठे रहते थे। सेट पे सबसे ज्यादा बाथरूम में कौन जाता है? बाथरूम में जिसका पेट खराब है कुछ जाते ठीक है। ओके जी, यासिर, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल 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 क्यों हंस रहा है भाई? मैं इस बात पर से कि स्ट्रगल को तीन बार बोलने की क्या जरूरत है यार, स्ट्रगल और चीज भी हो सकती है, स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तू बता दे भाई। नहीं, मैंने आपने मुझसे पूछा अभी, लेकिन लाइक तू बता दो, बता दो। स्ट्रगल, लक और ऑनेस्टी, और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है अपने काम के साथ, अपने काम के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो आगे कैसे। कुछ एक्ट्रेसेस अपने आप को ये समझती हैं, क्या समझती हैं? पता नहीं क्या समझती हैं, पता नहीं क्या समझती हैं, मुझे भी नहीं पता लगा आज तक, पता नहीं क्या समझती हैं, क्या समझती हैं यार, अजीब। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जो समझती हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। वो हैं कुछ एक्ट्रेसेस, कवर अप कर रहा हूँ ना पहले बात। उधर क्यों देख के बोल रहे हो यार ये? तुम नाम ले सकते हो। ये कुछ नहीं समझती, ये अपने आप कुछ नहीं समझती, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा ठीक है, मैं हिसाब बराबर नहीं करूँगा। कुछ एक्टर्स भी बहुत ज्यादा मेल एक्टर्स ये होते हैं, होते हैं क्या, होते हैं क्या, इंसान होते हैं, इंसान तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन फजूल का एटीट्यूड होता है उनमें जो कि नहीं होना चाहिए। मसलन लाइक व्हाट? मसलन के एटीट्यूड एज इन लाइक वो अपने से नीचे जो कास्ट होती है, जो सपोर्टिंग हो गई या जैसे जूनियर हो गए, उनके साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं होता उनका। रियली ये वैसे होता है, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया। एक चीज मैं बताती हूँ, मैंने ये चीज नोटिस की, जितना बड़ा एक्टर होते हैं जैसे आप लोग हैं, नुमान एजाज सर जितने भी हैं, वो उनमें ये चीजें नहीं है, नहीं होती, वो होते हैं जो नए आए ना, उनमें वो चीजें मैंने देखी, जिनको नया नया मिला हो, जिनको नया मिला, जो पहली दफा देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सर पे चढ़ जाता है। आई एग्री, कोई बड़ा अच्छे कभी साहब इनमें नहीं है, जो अभी आए उनमें मैं ये देखने को मुझे मिलता है। यानी जिनको कुछ नया नया मिल जाए तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम आपसे जरा ज्यादा अभी मशहूर हैं, आप क्या हैं, यूं वाला एटीट्यूड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ऐसा होना चाहिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न कि ये चीजें सब आनी जानी है, इट्स लाइक टेंपरेरी, इट्स और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है। अगर किसी ने अल्लाह ने आपको फेम दिया या पैसे दिए, यू कांट जज अदर्स, यू नो, या यू कांट लुक डाउन अपॉन अदर्स। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने काफी स्ट्रगल, आप हो गए, आपके अलावा फैसल कुरैशी हो गए, नुमान एजाज हो गए, ये पर्सनली कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ, एज एन एक्टर देखता हूँ, तो आप लोगों ने अपने टाइम पे अपने सीनियर्स की भी फॉर श्योर रिस्पेक्ट की होगी और अपने जूनियर को भी दी होगी, इसी वजह से अब तक स्टिल लोग आप लोग को देखते हैं ऑन स्क्रीन और आपसे सीखते हैं, आप लोग को इंस्पायर करते हैं काफी ज्यादा। सही है, तो दूसरों को इज्जत देना बहुत, इज्जत देना बहुत याद रह जाती है, याद रह जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा चालाक कौन है मेरे सेट पे? रास। अरे वाह, कहीं से नहीं लग रहा ये चालाक, कहीं से नहीं लग रहा, ये साइलेंट बट वायलेंट वाली इसकी गेम है, ये बहुत मासूम लगता है लेकिन इतना मासूम है नहीं। ठीक है जी, मेरे सेट पे इनके पेट में कोई बात ही नहीं रहती। किसके? इनके पेट पे कोई बात नहीं रहती,
थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. वैसे तो ऐसी कोई बात वैसे तो किसी के पेट में नहीं रहती बात. हाँ ये तो है, ये तो है. लेकिन मैं जब इसके साथ सीन करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अपने सेट पे सना के साथ. ओ अच्छा, वजह क्या है? क्या वजह है? मेरे साथ नहीं आता तो ऐसा दिया था. वजह ये कि सीन करते में मजा नहीं आता तुम्हारा. सीन करने में, सीन करने में तो सना के साथ इसलिए मजा आता है क्योंकि हम लोग की अच्छी केमिस्ट्री, हम लोग एक दूसरे को काफ़ी समझते थे सेट पे. okay. और मतलब ऑफ स्क्रीन भी हमारी काफ़ी अच्छी बात थी, अंडरस्टैंडिंग थी. तो वो ऑन स्क्रीन हम कोशिश करते थे कि अच्छा काम करें, एक दूसरे को टाइम देते थे. क्योंकि आई हैव सीन बहुत से एक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो केमिस्ट्री डेवलप होती है ना, टाइम नहीं देते. Unless until you know each other, you can't really, you know, बड़ा naturally हो सकता है. बिल्कुल. तो हम लोग बराबर एक दूसरे को equally time देते थे on screen dialogues का. तो वो एक अच्छी बात थी. तो सना के साथ ये बोल दो अच्छी acting करती हूँ तो. अच्छी बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ कि अच्छी acting करती है. के बोल दिया. चलो बोल दिया अच्छी acting. सीधी तरह कान यहाँ से पकड़ो, इधर से जो पकड़ रहा है भाई, बोलो कि अच्छी acting करती है. हाँ ये part काट दीजिए. जुगनू की हीरोइन नहीं, हम पूरा part चलाएंगे. अभी नहीं, ये वाला काट के अच्छी acting वाला लगा दीजिए. ठीक है. अच्छा जब मैं सेट पे इसके साथ मेरा सीन होता तो मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ. यार बोल दो यार, यार बोल. थोड़ा सा बोर होता हूँ बिस्मा के साथ. कौन है बेचारी बिस्मा? बिस्मा तुम इसको भी बोर करती हो, इसके सीन करते तब भी ये एंजॉय नहीं करता. कौन है बिस्मा को मैं जरा बुलाता हूँ, अभी लेके आता हूँ बिस्मा को. फोन पे लो बिस्मा को, सारी इनके राज फाश करेगी बिस्मा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. शिराज, मेकअप में सबसे ज्यादा वक्त ये लगाते हैं सेट पे? अल्लाह बहुत सारे हैं. तो कौन? बहुत सारे हैं. कौन? एक हमारी जो भाभी बनी है फजाइला जी, ठीक है, वो बहुत टाइम लगाती हैं. सना बहुत टाइम लगाती थी. कितना अंदाजन? डेढ़ घंटा, डेढ़ दो घंटा तो. यार क्या तुम लोग डेढ़ घंटा, डेढ़ दो क्या करते हो? डेढ़ दो घंटा कहीं नहीं. मेकअप आर्टिस्ट एक था. मेकअप मेकअप आर्टिस्ट एक था. लड़कियां बहुत ज्यादा थी हमारे सेट पे. ओके, तो वो तो सब पे आधा आधा घंटा जब लगा के चार पांच लड़कियों को तैयार करते तो दो ढाई घंटे वैसे गुजरे. हाँ, तो इनके बस सर पे ब्रश मार के वो भेज देता था मेकअप आर्टिस्ट के बस. आप तैयार हैं, आप जाएं. और लड़कियों को जरा मेहनत होती है? लड़कियों पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है. बहुत ज्यादा मेहनत होती है. कितनी देर लगाते? चल सच बता. ये लगाते होंगे, लगाते होंगे क्या? आधा पौना घंटा. आधा पौना घंटा? यासर क्या करता है भाई आधा पौना घंटा? ये हर सीन के बाद मेकअप करते हैं, फ्रेश होती है इनका हर सीन के बाद. नहीं मुझे था, लेकिन ये अच्छी बात है. बालों को लेके ये अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल कर रहे हो. अच्छा हाँ, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स भी ऐसे थे. अच्छा, जो मेरा जो कैरेक्टर था ना वो थोड़ा रफ रफ सा, तो मैंने ये जरा हीरोइक सा है. इसको ही हैज टू गेट हिज हेड ऑन हिज क्लोथ्स एंड आल्सो बीइंग कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ इज वेरी गुड, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लाइक नॉट दैट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा वो नहीं बन जाओगे मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज, वो वाला नहीं बनना. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. सेट पे इनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है. किनको? यासर भाई. हमने तो इनको बेवकूफ बनाया भी था दो तीन मरतबा. कैसे? हाँ बड़ा एपिक सीन था वो. बताओ कि क्या? बताओ. हाँ, बताओ ना. मुझे याद नहीं है, मैं बता नहीं सकता. क्या थोड़ा वो जो हॉस्पिटल वाला था? हाँ हाँ, बताओ ना. मैं थोड़ा दिमाग में याद नहीं आ रहा. क्या बात, कहाँ पे बता दो, बता दो. हमने इनके साथ एक प्रैंक किया था. हाँ, कि हमने डायरेक्टर वगैरह को बोला था कि इनको इनके साथ ना आज थोड़े सीरियस होना है, और हम सब इनके साथ सीरियस थे. ठीक है. और एंड तक सीरियस रहते, इतना सीरियस हो गए थे कि ये समझ रहे थे कि मेरे साथ कुछ मसला हुआ है आज ना, तो ये कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो गए. बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था अपनी एक्टिंग को लेके. वो एक प्रैंक किया था एंड में, हमने फिर भांड फोड़ा कि भाई सब ठीक है. क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या था, किया क्या इन्होंने? बस इन लोगों ने शायद प्लानिंग की थी कि आज जो है हम लोग सारे काफी रिजर्व रहेंगे, या बहुत ज्यादा जो है ना इसको ज्यादा बात नहीं करेंगे, और एक्टिंग में जो है ना बहुत ज्यादा इसको टिप्स बताएंगे, देंगे कि नहीं ये सही है, ये लोग मुझे टिप्स देंगे, तो इस तरह से कुछ. और उस पे तुम एक्चुअली सीरियस हो गए थे कि यार मैं थोड़ा सीरियस हो गया था. मैं जब अकेला अपने आप को बैठ के सोच रहा था कि यार मैं बहुत बुरा हूं, शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था अपनी सीन्स को लेकर. किसी को फंसाना कितना मुश्किल, मतलब बड़ा बेचारे मजलूम बना दिया उसको, मासूम आदमी को. ठीक है, फोन पर सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? कि मैं बस आ गया पांच मिनट दूर हूँ, मैं आ गया आ गया आ गया बस. मैं नहीं हूँ वो. मैं बोलता हूँ कभी कभी जब मैं लेट हो रहा हूँ
तो मैं लिफ्ट में होता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैं आ रहा हूँ बस, मैं नीचे, लेकिन मैं कमरे में होता हूँ। एक घंटे तक गाड़ी को वेट कराता है नीचे? नहीं, एक घंटे कभी भी नहीं कराया मैंने, अल्लाह माफ करे। 45 मिनट्स बस, एक घंटा गाड़ी वेट कराता है। हो गया, रेपो खराब करो मेरी, क्यों वेट करा? नहीं नहीं, 5-10 मिनट भी क्यों कराता है? क्या सामान वामान रखना होता है तो उसमें थोड़ा टाइम है। नहीं, सामान खुद नहीं रखते हो, बेचारे ड्राइवर ऊपर जाते हैं इनका सामान लेने। नहीं आप, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं इस हीरोइन के साथ काम करना चाहूंगा। चॉइस मिले तो मैं करना चाहूंगा माहिरा खान के साथ। कौन नहीं करना चाहता मायरा खान? मतलब मैं जब जब किसी से सवाल करता हूँ मायरा खान का नाम लेते हैं। मायरा सुन रही हो, हर बार तुम्हारा नाम होता है यार। अच्छा, कोई मायरा के अलावा? जुमना जैदी। जुमना इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट ऑफ कोर्स। किस हीरो के साथ काम करना चाहते हो? सबा कमर जमान। सबा कमर के साथ? वंडरफुल एक्ट्रेस अगेन। शी इज़ वंडरफुल एक्ट्रेस। फिनोमिनल। फिनोमिनल। मतलब शी कैन प्ले एनी कैरेक्टर। शी इज़ अ, आई पर्सनली फाइंड हर अ कैरेक्टर एक्टर। She's brilliant. She's an amazing actress. She has a very good aura. ठीक है, हाँ. A very good personality. ठीक है. On screen. So I would love. मैं हमेशा से मेरा dream है to work with Sabah. किस किस hero के साथ काम करना चाहती हूँ as a heroine? Fawad Khan. Of course. Imran Ashraf. वाह. मुझे मेरा वैसे favorite Imran Ashraf. But he's a very good actor. Yes. Very nice, wonderful. किस director के साथ काम करना चाहती हूँ? Ehsan Talish. Ehsan Talish के साथ? जबरदस्त. किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो? एहसन तालिश। मैंने उनके साथ काम नहीं किया, बट एक दफ़ा मौका मिला था, मैंने ऑडिशन दिया था, बट आई कुडंट गेट रोल इन इट। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ, उनको मैंने देखा है, उनका मैंने काम देखा है प्रोजेक्ट्स में, ड्रामास देखे उनके मैंने, तो काफ़ी अच्छा काम करता है। किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो? नदीम बेग। अच्छा, नदीम इज यार, क्या ड्रामा चल रहा है उनका सिन्फ आहन। हाँ जी, है ना। फिल्में भी देखी उनकी? फिल्म हाँ, मैंने वो देखी थी, वो पंजाब नहीं जाऊंगी जाऊंगी, तो वो बड़ा। फिल्म में काम करने का शौक है सना जी? परमिशन मिल जाएगी घर से? ऑफ कोर्स मिल जाएगी, मुझे तो आराम से मिल जाएगी। ऑफर हुई अभी तक? हो जाएगी बहुत जल्दी। मतलब फिल्म में थोड़ा सा गाने वाने पिक्चराइज करना, डांस करना, वो भी सब होता है, तो यू नो हाउ टू डू दैट? या यू गुड एट हाउ टू डांस? या वाह यार, ये तो फुल सीख सिखा के आई है। तो जनाब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, एक और गेम की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। खुद एक बार, और एक दफा मैंने फिश करी बनाई थी। फिश करी बना ली सना, कभी खाया इसके हाथों कुछ? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं ना। सेट पे नहीं बनाया, सेट पे नहीं बनाया मैंने कभी। नहीं तो सना को, मतलब हीरोइन है, तुम कभी बंदा ऑफर कर देता यार के हीरोइन है मेरी, आओ तो हीरोइन बना के खिलाएगी ना हमें? क्यों, उसने तो कभी नहीं खिलाया। एक्टिंग भी करे, खाना भी बनाए, नहीं हो सकता, सॉरी नहीं। यदि एक्टिंग भी वही करे और खाना भी वही बनाए, तुम लोग भी कुछ करो, उसका मतलब है ये एक्टिंग भी करो, खाने भी बनाओ, कुछ तो करो। अच्छा, आज बनवाते हैं इनसे। आप क्या बना रहे हैं? मलाई बोटी रोल, पराठे में रोल बनाएंगे, जिसके लिए हमें जरूरत है पराठे की, ऑब्वियसली अनियन की, मलाई बोटी की, चटनी की और म्यो की। तो हमारे पास सब कुछ यहाँ मौजूद है, लेकिन आप लोग पर्चियां निकालेंगे। अगर तो आपकी ये चीजें निकल आई तो फिर तो बचत होगी, वरना राज बताएंगे एक दूसरे के साथ ना। अगर इनको राज नहीं याद आया तो तुमको बताना है इनका राज, ठीक है? और सना तो तैयार बैठी है, दोनों के बारे में ऐसे ऐसे राज इसने बताए हैं कि अभी पता लगेगा। निकालो पर्ची, बोल ना। म्यो निकल आया इसका भाई, वाह यार बचत होगी। तो क्या पर्ची पढ़ के निकाल रहा है? लेमन 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 नहीं है, उठाओ ना लेमन। ठीक है, अगली पर्ची, मलाई बोटी। ओबे यार, क्यों डाली इसकी पर्ची इसके बीच में? इसका तो पूरा पराठा निकल आया सारा, क्या हो गया? अनियंस। अनियन चाहिए थे इसमें? हाँ जी चाहिए, है, चाहिए चाहिए। हाँ चाहिए, उठा ले भाई, उठा ले, दे दो सब कुछ, दे दो राज बारे का अगले सेगमेंट में। चलो यार, चलो निकाल अनियन से। अनियन हनी नहीं है? हाँ हनी नहीं चाहिए, उठाओ हनी। चलो हनी, हनी
से दो दो उठा रहा है चला चटनी दिस चटनी भी निकल आई है यस यार मैं नहीं खेल रहा ये चलो चिली चिली फ्लेक्स वो पड़े में यस टर्मरिक हल्दी नहीं चाहिए थी टर्मरिक लेकिन रख लो टर्मरिक चाहिए नहीं एक मिनट यार कुछ है जैम जैम ये लो जाम ले लो जाम जाम अच्छा जी एक पराठा रह गया मेरे पास अनियन रह गए मलाई बोटी चटनी मलाई बोटी रह गई इसका मतलब ज्यादा चीजें आलू भी है नो भी चाहिए तेरे पास मलाई बोटी नहीं है ना भाई ये तेरा है ठीक है अच्छा जी चलो सबसे पहले हम बाटर करेंगे क्या चाहिए मलाई बोटी चाहिए पराठा फर्स्ट आई नीड पराठा भाई पराठे के लिए तो हम दो राज मालूम करेंगे तुम्हारे एक सना से सना बताएगी इसका राज तो फिर पराठा इसको मिलेगा राज मुझसे बहुत लड़कियां मिलती हैं तो मुझसे एक ही चीज पूछती हैं कि यासिर कैसा है यानी कैसा क्या मतलब कि यासिर कैसा है मैं काफी फेमस हूं काफी फेमस है लड़कियों में काफी फेमस हां यार यासिर ये तो बड़ा जबरदस्त राज बताया सर तो फिर खुद ये सेट पे कैसा होता है इसके पास आती हैं फैंस या कॉल्स नहीं ये ज्यादातर साइट पे ही होता है सीन के बाद कहीं इधर उधर पेड़ के नीचे आपको मिलेगा वो कहीं क्या करते हुए फोन पे बात करते हुए यानी फोन पे बिजी रहता है ना हाँ लेकिन कोई मीटिंग चल रही होती है कहते हैं इस तरह है किसके साथ कोई डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ फोन पे कैसी मीटिंग पेड़ के नीचे वो खुद कह रहे नहीं चल रही मीटिंग फोन पे कैसी मीटिंग सच बता दो सच बता दो अच्छा अच्छा अब तुम एक राज बताओ इसका पराठे के लिए दो राज चाहिए यार एक दफ़े की बात है शूट की कि मैं वॉशरूम गया और ये पीछे आ गया नहीं 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 और ऐसे कुंडी लगा ऐसा नहीं ऐसा वॉशरूम गया तो मैंने देखा बड़ा गंद मचा हुआ था गंद मचा हुआ था और मैं समझ गया भाई ये मतलब ये मुझे वॉशरूम जाते हुए देख रहा था फॉलो कर रहा था ये सामने वॉशरूम सामने होता है भाई कर क्या रहे वॉशरूम सामने होता है नहीं किसको किससे पराठा इसका पराठा है भाई रख ले भाई आगे नहीं बताना बड़ा गंद मचा समझ गया आप लोग समझ गए ना बस खत्म चले भाई आई हैव गॉट द पराठा यार मतलब क्या तुझे कैसे पता कि वो गंद ये मचा के आया था क्योंकि लास्ट ये फॉलो कर रहा था ये मुझे पीछे तक फॉलो कर रहा था भाई लास्ट टाइम आप ही गए थे ना मेरे से पहले क्यों भाई यार कुछ खाने की बातें हो रही पराठा मेरा अच्छा भाई आगे बढ़ो चलो क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए मुझे चाहिए मलाई बोटी मलाई बोटी ऐसे तो नहीं मिलेगी बोटी राज बताओ इसका तो भाई बता ले फौरन बदला और बताओ इसका राज हाँ बताना है हाँ अच्छा इसका राज ये है कि शिराज की आदत है एक बहुत ही वियर्ड ये हम सबके सामने कभी कभी बोलता था सबको कि आप लोग आंखें बंद कर लो और कपड़े चेंज कर लिया करता था और ये है क्यों सना एग्री करोगी नहीं वो इसके सामने करता था क्योंकि ये उसको पसंद करता है अल्लाह माफ क्या हो गया सब किस का हो रहा है यार ये कैसी भाई ये बैन हो जाएगा ये बैन हो जाएगा यार चलो मेरे शो में भाई सब के साथ हम क्या हो रहा है नहीं प्रमोशन क्या नाम है प्ले का जुगनू मुझे कोई और नाम लग रहा है अक्सर वॉशरूम में कोई होता था तो मैंने नीचे पजामा पहना होता था तो उसके ऊपर ही मैंने शलवार चढ़ा देता ये वही चेंज कर लिया करता था तो इसकी आदत पे हम इसे काफी टोकते थे बड़ा खतरनाक राज बताया ये इसने बताया ये मैंने ही तो बताया बता दो फिर सुना चलो तुम बताओ इसका राज ये सुबह से लेकर रात तक डायरेक्टर के साथ उनकी सीट पे मॉनिटर पे होते हैं और कोई भी आता है तो कहता है काम दे दो मुझे और कोई भी मतलब सेट पे किसी से मिलने आता है तो कहता है मुझे एक सेकंड मुझे भी इंट्रोड्यूस करना है इसका मतलब कि मुझे काम दे दो काम दे दो काम दे दो काम चाहिए मुझे काम यार ये नहीं बताना था यहां यार क्या हो गया यार यार रुला दिया बच्चे को ये ले भाई मलाई बोटी ले कोई बात नहीं है नहीं डायरेक्टर के साथ सीट पे क्यों होता है उनके सीन देखने के लिए
वैसे बड़ा लर्निंग लर्निंग अगर लर्निंग नहीं तो व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग नहीं तो और क्या है मॉनिटर को देखना थोड़ा काम मांगना काम दे दो काम दे दो काम तो यार हां ये राज है भाई कैमरे में मुझे काम दे दो डायरेक्टर साहब अगर कोई देख रहा है अच्छे डायरेक्टर मुझे काम तो बहुत अच्छा एक्टर हूं ये मलाई बोटी बनती है अगली चीज क्या चाहिए बनाना यार ये मलाई बोटी का है हां ये रही हां आगे क्या चाहिए मेरे पास तो सब कुछ है मुझे मायो चाहिए मुझे मेरे पास मियो भी है अनियन नहीं है तुम्हारे पास अनियन नहीं है मेरे पास हां ये हम टर्मरिक लेते हैं और अनियन जो है वो आपको तब मिलेगा जब जब सना बताएगी इसका कोई राज यासिर का हाँ वो वाला बताओ ना राज कौन सा वो वाला इसको सारे राज पता है मेरा ये कौन सा यासिर यार भी देखो ऐसी वैसी बातें तो मत बताना यार कौन सी ऐसी वैसी सारी मेरे राज तो खोल दिए वो इशारे कर रहे हैं वो देखो इशारे देख उसके कौन सा वाला राज व्हाट इज दिस What is this behavior, Pooja? What is this behavior? अच्छा ना बोल दो। एक राज काफी टाइम पहले मुझे 2016-17 की बात है मुझे इंस्टाग्राम पे यासिर आलम के पेज से बहुत सारे मैसेजेस आए थे तो वो खैर वो अदर इनबॉक्स में था फिर उसके बाद शूट पे हम आए तो स्टोरी लगी तो ऑलरेडी 3 साल की चैट थी तो नहीं तो जब मैं शूट पे गई तो पकड़े गए तुमने जवाब दिया था चैट नहीं इसने मुझे बता दिया था मैंने बता दिया था कि ऐसा था तो मुझे खुद याद नहीं था कि ऐसी कोई चैट हुई थी या नहीं हुई थी मुझे खुद नहीं आपको कैसे याद होगा अपना राज कैसे याद होगा कैसे याद होगा इतने लोगों को इसे मैसेज भेजे होंगे नहीं इतनी लड़कियों को भेजे होंगे ये सच नहीं है कैसे याद होगा यार कैसे याद होगा अच्छा ये कहानी है सो कोई बात नहीं जरा डिसेंट से मैसेजेस थे ना जी जी बता दो मैसेज भी बताओ आप तो मैसेज भी बताओ क्या मैं दिखा दूंगी नहीं नहीं डिसेंट डिसेंट है ना डिसेंट नहीं डिसेंट बच्चा डिसेंट था तारीफ कर रहे हो तुम ये अच्छा रहा लेकिन फिर जब वो एक्टर बने 2017 में काम स्टार्ट किया फिर 3 साल ब्रेक आ गया फिर सारे मैसेज डिलीट कर दिए नहीं किए अच्छा नहीं किए मैं इतना मासूम हूं कि मैंने डिलीट भी नहीं किया तो फिर मैं 3 साल मैंने 3 साल एक्टर बन गया फिर कोई मैसेज नहीं किया आर यू श्योर मेरे अकाउंट से ही थे वो वही अकाउंट था हाँ भाई अब तू बता दे इसका राज एक अनियन मिल जाएगा मिल जाएंगे आखिरी चीज है ना भाई ये मैंने इनको एक दफा सेट पर किसी लड़की से बात करते हुए देखा था फोन तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है ये कोई राज है वो राज ये किससे बात करेगा लेकिन वो राज ये है नहीं तो वो किससे बात करेगा और लड़की से आई एम स्ट्रेट नहीं लड़की से ही करूंगा बात और नहीं लड़की से तो करोगे लेकिन वो लड़की जिसको जानते नहीं उससे कैसे बात कर सकते हो आप अच्छा मतलब जानते नहीं तो बात कभी नहीं इट इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम हां ऑलवेज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम ना पहली दफा तो लड़की ही जानते हो ये कोई राज नहीं है भाई लगता है तूने कभी लड़की से बात नहीं की लड़कों से की है इसके बाद यार ये क्या हो रहा है यार अब बता राज ये राज अच्छा कोई नहीं था लड़की से बात कर रहा था ये क्या राज है राज वा, वा। नहीं वो बताओ, नहीं। बताओ 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 यार ये राज बताओ यार इसको जो तुम भी जानती हो मैं भी तुम भी सोच लो बस मैंने बता दिए और इस बेचारे के और कोई राज ही नहीं है यार इसका एक ही रास्ता वही बहुत बड़ा रास्ता फ्लश वाला वॉशरूम वाला वो बतरी कौन सा रास्ता मुझे नहीं पता ये कैसे नोट करके बैठा है यार वो नहीं एक और राज कह रहा हूं ना भाई एक और राज आएगा 10 seconds है हमारे पास पराठा रोल जा रहा है तुम्हारा वरना 10 9 8 7 इनका मेरे पास भी डीएम आया था इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे भी किया था देखो अब याद आया मुझे शो पे सच बोल अब याद आया सच ही बोल रहा हूँ मैं यार अच्छा क्या इसको दिखाना पड़ेगा इन्होंने मुझे मैसेज किया था तूने फौरन जवाब दिया नहीं मैंने डिलीट कर दिया सर क्यों स्ट्रेट हूँ सर मैं ये सोच के ये बात इसकी ऐसी बात हो गई ये बताना चाह रहा सबको कि ये स्ट्रेट है ये दोनों स्ट्रेट नहीं है यार मुझे लगता है कब और
पराठे ही बना के खाओ तुमको, हम जा रहे हैं। नहीं बनाओ 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 बनाओ। अब सना को चख के बताना होगा, एक म्यो रह गया है उसमें, लेकिन सना को ये बताना होगा कि एक एक राज इसका भाई, यासिर या सना इसका एक राज बताओ। शिराज का, शिराज का। हाँ यासिर बताएगा आई थिंक। यासिर, यासिर जल्दी से बता दे, बदला ले लो यासिर। वाह यार चीजें बता दी तुम्हारी, बदला ले लो। हाँ हाँ शिराज का ऐसा कोई राज। अच्छा हाँ शिराज, शिराज सबसे पर डे बजट पूछता था सबका कि क्या सबका बजट है सेट पे। ये शिराज की आदत है, सबसे पूछता था कि उसका बजट कितना, जज करता है कौन कितना ले रहा है, मैं कितना ले रहा हूं। हां ये एक आदत, लेकिन सबसे कम मैं ले रहा था। तो मुझे और सियासी सा आदमी लग रहा है मुझे। हां बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत ज्यादा गुड है, लेकिन ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और कोई अगर ना बताए तो कहता है डिजिट बता दो कितने, एक है मतलब 8,000। लेकिन मैं मजाक में बोलता था सबसे, डिजिट बता दो। लेकिन मैं मजाक में करता, मैं तो अच्छा अगर मुझे बात करनी होती मैं सबसे अकेले में करता ना, सबके सामने क्यों करूंगा। ये भी एक तरीका होता है। नहीं सबसे अकेले में पूछता था ना कि तुम्हें तुम्हारा क्या बजट है, तुम्हारा क्या। मैंने नहीं सबसे पूछ, ले लो भाई ले लो, ले लो रोल लपेटो। और सना चक्के बताएगी ज्यादा अच्छा किसका बना है। मेरा तो हो गया। कोई चटनी वटनी डाली है क्या बीच में मेरे में? रोल तो कर दे भाई उसको। मेरे पास तो है ही नहीं चटनी। सना दोनों की एक एक बाइट लेगी और हमें बताएगी कैसा है। आई थिंक जितनी हमें वो लपेट रहे ना। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों खाओ यार अपना, तुम एक दूसरे को खिलाओ। नहीं ये करना पड़ेगा। ए, पता नहीं ना ये लोग लास्ट बाथरूम से तो नहीं आए साइड पे, मैं नहीं काम करती इस बात के बाद। बाथरूम में तो सभी जाते हैं। आपस में खिला दो। अच्छा एक मिनट, एक दूसरे का रोल चेक के बताओ किसका ज्यादा अच्छा। चलो नहीं तुम इसको खिलाओ। मैं इसको क्यों खिलाऊं? चखो ना, मैं खुद को बताएगा कि कौन खिला। मैं खुद खा के भी बता सकता भाई, ये लो खाओ खाओ। अब उसको खिलाइए वाला, ये रोल तो बन जाए लेकिन पहले। यार वो मेहनत कर रहे तुम्हारे लिए इतनी, क्या हो गया? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। सही बनाया रोल, सही है जो से बनाया, वेरी नाइस। दोनों को रोल जो है वो जबरदस्त मुझे लग रहा है। हम तो नहीं खाएंगे सर, खाओगी? चख लो थोड़ा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, उधर कब भाग रही हो तुम? डर क्यों लग रहा है? Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. जुगनू की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। जुगनू एक ऐसा ड्रामा जो एक्सप्रेस पे आप आजकल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और ये नए लोग जो हैं पूरे ड्रामे में, इन्होंने बड़ा जबरदस्त शोर मचाया हुआ है, इसलिए कि इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों से बार बार कहूंगा कि ये ड्रामा जरूर देखें, फॉलो करें। इसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छी है, और जितनी भी कास्ट है वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जनाब आगे बढ़ेंगे और हमारा ये सेगमेंट, ये हमारे सामने गिफ्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, और बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। मैं आपसे कुछ नाम लूँगा और आप तीनों को ये चूज करके बताना है कि उनको क्या चीज़ देना चाहेंगे आप, और फिर ये भी बताना है कि क्यों देना चाहेंगे। राइट? ओके ठीक है, ज़बरदस्त जी। अब ये बास्केट देख लें अच्छी तरह, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, देख लिया। ये क्या है? डिक्शनरी है। एंड दिस सम गिफ्ट एंड ओके फाइन, ठीक है जी। पहला नाम मेरे पास है कि आप इस बास्केट में से मीरा को क्या देना चाहोगे? डिक्शनरी। अच्छा डिक्शनरी जी। ये तीनों का म्यूचुअल डिसीजन है, उनको जरूरत है डिक्शनरी की काफी ज्यादा। वैसे उनको जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी दे देते हैं। फिर भी देंगे? हाँ। कभी दिल करता है कुछ नहीं, ये इस डिक्शनरी की बेहतरी के लिए कि उनके पास जाए, उनके पास जाए। हाँ, इसकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए नहीं है। नहीं मीरा के पास जाएगी डिक्शनरी तो डिक्शनरी बड़ी प्रेशस हो जाएगी। बिल्कुल फाइन ओके ठीक है जी। इसको यार नहीं वापस निकाल दो उसमें से,
ठीक है, अपने पास रखते ना, उनको भिजवा देंगे फिर। चले चले ठीक है जी। अगला अगला नाम है हरीम शाह। हरीम शाह, मुझे उनको देख के लगता है कि पता नहीं क्यों। डिसाइड कर, ये क्या? नहीं, ये इसने क्या निकाला? स्कॉच टेप मुंह पे लगाने के लिए। हाँ अच्छा, स्कॉच टेप को टेप क्या करेंगे इसको? उनके मुंह पे लगा लेंगे। क्यों? बहुत बेतुका बोलती हैं वो, फजूल का बोलती हैं। अच्छा, यू थिंक सो? हरीम शाह वही है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ ना, कोई कोई एक्टर तो नहीं ना हरीम शाह? एक सेकंड, वो वही है ना? कौन वही? कौन जो जो क्या? हाँ वही वही वही, हाँ वही वही। कौन? वही हरीम शाह ना, जो बहुत बोलती है गाड़ी में अपनी वीडियोस और मतलब टिकटॉक। हाँ, जो टिकटॉक बनाती है, जिनका भी वो होंड भी थोड़ा वो जिनका। हाँ या वो बहुत फनी वीडियो में तो बहुत बहुत मजे का लगा था, उसने मुझे बहुत हंसाया उस वीडियो में। लिप फिलर का कुछ का। हाँ वो फिलर, वो बहुत फनी था यार, वो फनी था, उसमें कोई ऑफेंसिव वो नहीं था, वेरी फनी है ना। ठीक है, टेप उनको चलेगी। अगला नाम है आमिर लियाकत। हम उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं? इंजेक्शन किस चीज का? नहीं, किस चीज से? नहीं, कहां लगाने का? सुलाने का, लगा के सुला दे, सुलाने सो जाए आप। वो बहुत हाइपर एक्टिव है इस वजह से। हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है। उसकी भी वजह हो सकती कोई, उसकी वजह भी टीका ही हो सकता है उसका, ये ताकत का टीका है ना, लगाया हो आप फुल एनर्जी होती है। टीका गॉन रॉन्ग। अगला नाम है नादिया खान का। नादिया खान को क्या देना चाहेंगे आप तीनों? नादिया खान, किसकी जरूरत पड़ने वाली उनको? किसकी? वो कोर्ट का ऑर्डर भिजवाने के लिए। हाँ तो ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोर्ट का ऑर्डर इसमें जाएगा, मतलब चलेगा, उसका दिल कर रहा है। और कुछ भी नहीं इसमें, और कुछ हाँ दिया जा सकता है। फाइनल आंसर है ये? फाइनल है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, हम इसको कोर्ट का ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है, ओके, डन हो गया। मतीरा को क्या देना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं, ये क्यों दे रही है यार, खुशबू आती होगी उनसे। इज इट व्हाट? Okay. It is what? ये मच्छरों से दूर रहने के लिए। मच्छरों से दूर रहने के लिए। Overtime? हाँ, मच्छरों से। Overtime? मच्छरों से दूर रहने के लिए। ये देना है मतीरा को। Overtime? ताकि उनको उनको ताकि उनको मच्छर ना काटे। मच्छर। Overtime? Overtime? नाम थोड़ा complicated है। Overtime है ना? Overtime भी क्यों emphasize किया? क्या मतलब? Overtime क्या मतलब है? वो तो मैंने थोड़ी बनाई है। Overtime क्यों देना चाह? मतलब क्या overtime मतलब से क्या related है मतीरा का? और मुझे समझ नहीं आई ये क्यों? ये तो मच्छरों से दूर भगाना है उसको, मतीरा को। हाँ ना, यानी मच्छरों को मतीरा से। हाँ, मच्छरों को। बहुत चालाक आदमी है ये आदमी, बहुत चालाक है, फौरन मुकर गया। अच्छा जी, अगला नाम है वकार जका। बाल काटने, बाल कैंची लो, ट्रिमर नहीं है हमारे पास, ट्रिमर नहीं है हमारे पास, कैंची से हो जाएगा बाल कटने, बाल काट लूं। फिर टैग भी लगा पैसों का। लेकिन बॉस मैंने आपको बोला क्या? बॉस ने बोला क्या आपको? क्या बॉस मैंने बोला क्या है आपको? आपने नहीं देखी वीडियो? नहीं, आपको रेफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। अगला नाम है आपके पास साहिर लोधी। I think वो सेज से बाहर नहीं निकले अभी तक। इस एज से बाहर नहीं, मुझे लगता है वो अभी भी बच्चे हैं। बच्चे हैं? अच्छी बात है। ये तो बड़ी कूल बात है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए। बच्चे होना चाहिए इंसान को। हाँ, एक अंदर बच्चा होता है उसको मारना नहीं चाहिए, उसको जिंदा नहीं मारना चाहिए। वैसे वैसे वहाँ पे कोई चीज नहीं है इसलिए मैं उनको ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगला नाम हमारे पास जो है वो है ताबिश हाशमी। यार उनको आई थिंक ये देना चाहूंगा मैं, बिकॉज ही इज वेरी कूल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, ओके, बहुत ही चिल और सो यू वांट टू
give body spray. हाँ, जो उनकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, राइट? लेकिन कोई वजह होगी ना स्प्रे देने की, मतलब क्यों? नहीं, ये यही वजह है, और इसके अलावा इसको बेहतर बताओ कि मुझे तो नहीं मालूम. इन दोनों को साथ बिठा दें, मैं वहां चली जाती हूं. मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है. बीच में ठीक है, आपने फासला बनाए रखा है, बहुत अच्छा फासला. अच्छी बात है. ओके, अच्छा जी, अगला नाम है हमारे पास शावीर जाफरी, उसको क्या देना चाहोगे? हमारे पास चम्मच भी है. चम्मच, स्पून, पैन. उसके पैन हैं. अच्छा, ये क्यों? ऐसे ही बस, क्योंकि कुछ बचा नहीं है. कुछ बचा नहीं है ना, कुछ है अभी. अच्छा, इसमें क्या है? बस गिफ्ट है. गिफ्ट है वो. गिफ्ट भिजवा दो उसको. कोई कुछ भी, हाँ नहीं, गिफ्ट भिजवा देते हैं. हां, गिफ्ट भिजवा, गिफ्ट भिजवा, गाइस, गिफ्ट शुड बी ओके. ठीक है, ये शावीर जाफरी. शावीर जाफरी, ठीक है जी. अगला नाम है हमारे पास शेख रशीद साहब. आप करो. चूड़ियां देना चाहूंगा मैं उनको. क्यों? क्यों? ताकि वो अपनी अगली बीवी को ये पहना सके. अगली बीवी मतलब शादी नहीं है. शादी नहीं है तो बीवी तो अगली होगी ना. हां, तो बीवी तो अगली होगी ना. शादी करे तो बीवी के उनके लिए गिफ्ट है कि वो अपने होने वाली को पहना. ठीक है. ओके जी, हमारे पास आखिरी नाम जो है वो है, क्या नाम है यार? ओ अच्छा, नहीं, वी स्टिल हैव टू नेम्स. हमायों से तो क्या देना चाहेंगे? सना चूज करेगी हमायों के लिए. हाय हाय हाय, लेटर में क्या लिखोगी? वो मैं नहीं बता, मैं नहीं बताऊंगा. मैं नहीं बताऊंगा. ओके ओके, ठीक है, ये लेटर हमायों सेठ के लिए. ठीक है, अगला नाम हमारे पास जो रह गया है वो है रीमा का. रीमा, आप लोग को चूज कर लो, क्या दोगे? रीमा, आप कर लें. क्या आप कर लें रीमा? I think fan इधर इधर fan को गर्मी लगती होगी इसलिए. वो बहुत cool है वैसे. वो भी cool है. Are you cool? So pretty. She is. How do you know? नहीं, I know she's very cool. Okay. I know she's amazing. तो दिया जा सकता है. Cool किसको कह रहे हो तुम लोग? अच्छे को है ना? और क्या cool? और कोई भी नहीं. क्यों ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं दोनों? ये क्या इतना awkward क्यों हो रहा है? ये क्या bonding चल रही है आपस में? मुझे नहीं पता ये क्या. मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं उठ जाऊँ? नहीं, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे. अच्छा, अभी आख कितनी चीजें रहेगी? दो चीजें. मुझे खुद बता दो, ये किसको देना चाहोगी? चमचा किसको देना चाहोगी? सना बताओ दोनों. ये मैं शराज को दूंगी, क्योंकि चमचा गिरी करता रहता है ये सेट पे हर किसी की, इसे हिला के पी लेना. और मैं डायरी इनको देना चाहूंगी. आप एक साथ लड़कियों को डीएम कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि डिलीट भी करने, अनसेंड का ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे, आप वो कर सकते हो. ये मैं रख लेता अपने पास. ठीक है, अब तुम दोनों को अगर इन सब चीजों में से जुगनू की हीरोइन के लिए कुछ चूज करना तो वो क्या होगा? अपनी अपनी एक चीज उठा के जुगनू की हीरोइन को दे दो. ये चूड़ियां हो गई. अच्छा जी, और आपको क्या देना है? बड़ा सेफ गिफ्ट दिया उसने, चूड़ियां. हां, यासर, कोई ऐसा गिफ्ट जो याद रहे हमें. ये बहुत ज्यादा बोल रही है आज तो. ये तो खुद मैं सूट करता है. ये तो प्लीज रख लो अपने पास. ओके, और सना, एंड में अगर यासिर को इन सब चीजों में से कुछ देना हो तो वो क्या दोगे? क्या दूंगी डायरी के अलावा? वो देखिए, वो उसको आइडिया दे रहा है. वाओ सना, कुछ उसको ज्यादा पता ना. उसकी ग्रामर ठीक है? उसकी ग्रामर ठीक है? नहीं. अच्छा, अब ये कहाँ, मतलब किस चीज के लिए? नहीं, क्या मेरा मतलब है कि क्या करोगी? अबे सुई है यार, सुई है मुझे. क्या, क्यों उस बेचारे को ये टीका क्यों लगाना चाहती? किस चीज का? किस चीज का? क्या क्या किया उसने ऐसा? ये इसको याद, हाथ पैर भी सीधे, और इसको याद रहे कि फ्लश करके निकलना है, क्योंकि बाकी लोग भी यूज करते हैं. लोकेशन में सिर्फ एक वॉशरूम होता है, नहीं होते हमारे पास 10. फ्लश से इंजेक्शन का क्या? इंजेक्शन के ताल्लुक क्या के लगा? ब्रेन में करें, ब्रेन में लगा, प्रूफ करें आप. ब्रेन में करी, मेमोरी स्ट्रांग, मेमोरी के इंजेक्शन हमेशा बाहर निकले तो फ्लश कर लीजिए. या आप अगर फ्लश नहीं कर सकते तो आप फ्लश से आप कुछ भी कर लो, आप ही ले जाओ.
इम्पॉसिबल. अपने उस दोस्त के लिए कुछ चूज कर लो, इसमें से क्या दोगे उसको? लव लेटर. राज के लिए लव लेटर. ये आई थिंक शिरास आई एक्सेप्ट इट. क्यों ये तुम्हें बेबी बॉय? ये हमारा क्यूट सा बेबी बॉय है. नहीं, वो तुम्हारे पीछे से बन रहा होगा एक हाथ. सना पीछे पीछे से एक हाथ क्यों जाएगा? ओके, वेरी नाइस जनाब. बहुत जबरदस्त चीजें उन्होंने बांट दी एक दूसरे को. हम नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. सना, मुझे एक बात बताओ, सेट पे जुगनू के एंजॉय करते हो, मजा आता है आपस में? काफी मजा आता है, काफी. कोई बहुत इरिटेटिंग सी चीज होती है सेट पे जो नहीं अच्छी लगती कि यार मतलब क्या हो रहा है सेट पे? कुछ वहां पे सबको गाने का बहुत शौक है. गाने का शौक है? बहुत गाने का शौक है. और ये दो जो सामने बैठे हैं, गाने गाते हो? दोनों गाते हैं? दोनों गाते हैं. सुनाओ यार, ये तो फिर हो नहीं सकता. माइक पकड़ो, गाना सुनाओ. ये बड़ा सिंगर है भाई, इसका मतलब सिंगर है ये अंदर से. ओ, चाहेंगे पहले आप गाने? तुम गाओ. अच्छा, लिरिक्स थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे तो उसकी कोई बात नहीं, हम इम्तिहान थोड़ी ले रहे हैं तुम्हारा. दिल में आग है ये कैसी, तू लगा गया तेरे इश्क को भी रोना अब है आ गया. दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिश यासर भी सुनाते गाने जी थोड़ा बहुत. चलो यासर शुरू हो जाओ. ये गाना सोच रहे तुम उसको डेडिकेट कर रहे हो अपने दोस्त को? दोस्त को नहीं, उसको कर रहे हैं. सना को करना डेडिकेट. सना को मतलब? अच्छा ठीक है, चलो सना को कर. किसी को भी क्या सना है, ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लिया. सना को कर देते हैं. सना को खैर है, कोई मसला नहीं. तो सना दे. वो एक दिन के जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हारा है. कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक. सना, सना ये कह रहे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ हमारा है. इसे ये नहीं कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो तुम्हारा है. ये सब लेने के चक्करों में है. सोचो, मटेरियलिस्टिक आदमी है ये. गोल्ड लेकर है, गोल्ड. ये मटेरियलिस्टिक आदमी है. काफी काफी हाँ. काफी. अच्छा जनाब, इसमें पर्चियां हैं तीन चार और प्रोबेबली वी हैव सम सॉन्ग्स और उस पे आपका अगर दिल है तो बैठ के परफॉर्म कर दो या खड़े होकर, इट्स योर चॉइस. तो पहला पर्ची निकालो यासर. निकाल भाई, आज टैलेंट चेक करेंगे भाई का. कुंडी ना खड़का. कुंडी कोई डीसेंट सॉन्ग है हमारे पास? क्या मतलब है इस बात का? ये बड़ा मशहूर गाना है और डीसेंट है. चलो आओ गाना यासर इसको. कम यासर, कम उधर. एक मिनट
बता रहा हूँ ना, गाना नहीं बंद किया, वो कह रहे चलाओ ले भाई शक्कर बंदा। हाँ शक्कर बंदा चलाओ, कालू का क्या? कालू का what is कालू का पता नहीं कौन सा गाना यार, जो मुझे भी नहीं मालूम। लौंडा कालू का लौंडा, कल्लू का लौंडा, कल्लू का लौंडा हो गया, तो बिंदो कपड़े दो मेरा कल्लू के लौंडा हो गया। टॉकिंग मस्तानी लौंडे की, टॉकिंग जनानी मस्तानी लौंडे की, टॉकिंग जनानी ब्यूटीफुल मेरा